तो कैसे हो दोस्तों, आज की न्यूज वीडियो एक डेडिकेटेड न्यूज वीडियो होने वाली है रजत लाल एंड एजाज खान की कंट्रोवर्सी के ऊपर। तो अभी के टाइम पर रजत लाल एंड एजाज खान के बीच में एक नया लफड़ा स्टार्ट हो गया है। हाँ भाई, बेसिकली हुआ क्या कि अभी आप लोग को पता होगा कि एजाज खान एंड राजवीर फिटनेस का अभी लड़ाई झगड़े चल रहे थे। ये लोग मुंबई के अंदर मिले वगैरह भी थे, तो उस टाइम पे यार रजत लाल ने एजाज खान को कुछ बोल वगैरह दिया था। तो अभी के टाइम पर एजाज खान को वो चीज पता लगी और वो रजत लाल को बहुत ही एंग्री रिप्लाई भी किए लाइव पे। बेसिकली हुआ क्या कि वो कल अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव आए थे एंड आल्सो उन्होंने वहाँ पे बहुत ब्रूटल रिप्लाई किया रजत दलाल को। उन्होंने राजवीर फिटनेस के बारे में भी बात किया एंड आपको पता होगा राजवीर फिटनेस ने एक वीडियो भी अपलोड किया था जहाँ उन्होंने बताया था कि वो मुंबई में ऐसे ही नहीं गए थे, उनके पास में बैकअप था पॉलिटिशियन का, पुलिस वालों का, तब वो गए थे मुंबई एजाज खान से मिलने। एंड एजाज खान रजत दलाल को काफी ब्रूटल रिप्लाई करते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, मैं एक छोटी सी क्लिप को दिखा देता हूँ, देखिए आप लोग। फिर वही बात है, फिर गाली दूंगा, बोले एजाज खान गाली देता है, तुम्हारे चक्कर में उनको गालियां दे देता हूँ मैं, तुम्हारे भगवान लोग को जो जिनको तुम इतना पूज रहे हो, वो रजत दलाल चोर कहीं का, जान दो बेटा जान दो। अभी मैं कुछ दूसरी बातें कर रहा हूँ, इधर कमेंट मत करो, अभी अनफॉलो करो ना, देखते क्यों मेरे को, तुम जीजा लगता हूँ तुम्हारा, मेरे को बोलते पॉपुलर होने का मेरे को। अबे इंटरनेट चल रहा है, एक ही चीज चल रही है, एजाज खान एजाज खान एजाज खान। वो रोस्ट करने के लिए भी इतना खर्चा कर रहे, इतने लोगों को बुला रहे, दाढ़ी लगवा रहे, बाल बढ़ा रहे, मेरे जैसे कपड़े ढूंढ के ला रहे, उसके बाद बेल्ट ढूंढ के ला रहे, फेक सड़ेले। अबे वो बचपन में नहीं, अपन सलमान खान को देखते थे तो वो कौन सी पिक्चर आई थी, मैंने प्यार किया, तो शादी में वो पीले कलर का सूट बहुत निकला था, मालूम है, सब लोग वो सूट पहन के जाते थे। वैसा इन लोग यूट्यूबर हो गए ले सब, एजाज खान बन बन के ना, मैंने प्यार किया मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, नहीं वो कपड़े चलते थे सुमन जैसे, ये सारी सुमन है सारी सुमन बन गई है। अरे अरे माँ की आग, देखा नहीं राजवीर ने बताया डीसीपी सीबीआई करनी सेना, बड़े बड़े संगठन, मराठा संगठन, इतने संगठन सपोर्ट में थे उसके। अब खैर उसको गले लगा लिया है तो अपना भाई बन चुका है, और पठान जब जिसको देता है ना तो हिसाब नहीं करता, वो लेता है तो लिहाज नहीं करता है। जब वो दुश्मन था तो दुश्मन था, अभी दोस्त थे तो दोस्त थे, और पठान की दोस्ती और दुश्मनी दोनों कब्रिस्तान तक पहुंचाती है। मौत के आगे दोस्त के लिए अपन खड़े हो जाएंगे ढाल बन के, बाद में समझोगे तुम लोग बेटा जब लुटोगे। और क्या है ना, रोज रोज मुझे आईना ना दिखाया करो, पहले खुद देखो फिर दूसरों को दिखाया करो। ऑलराइट, दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का सुबह पे स्वाद रखना। जिसको अनफॉलो करने का मोस्ट वेलकम, कोई टेंशन नहीं अपने को, मैं फॉलो अनफॉलो में मानता ही नहीं हूँ, कितने व्यू आए क्या हुआ ये आए वो आए ये सब में मेरा लेना देना ही नहीं है। मैं ना कबर के अंदर जो सांप और बिच्छू आने वाले ना उसका ज़्यादा टेंशन लेता हूँ, और वो ये सबसे नहीं आएंगे कि तुमने चेन पहनी, तुमने ये किया, तुमने डांस किया। बाबा रे बाबा, वो क्या नाम है उसका, उसके नाम में ही दलाल है, दलाली किस चीज़ की करता वो नहीं मालूम। दलाल एक पिक्चर भी आई है ना मिथुन चक्रवर्ती, उसमें क्या करता है मिथुन, अच्छा सप्लाई करता है, वही करता है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज में। अलीश यादव और मुनावर फारूक के इस बंदे के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हुए, बट क्यों, बेसिकली इंटरव्यू चल रहा था इनका, सीजन 4 आ रहा है प्ले ग्राउंड का, तो उसके रिलेटेड ये बंदा बीच में आता है और डांस वास करना चालू कर देता है, जिसके बाद अलीश यादव काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और मुनावर फारूक भी वहाँ रहते हैं, वो भी कुछ कुछ बोलते हैं, तो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, देखिए आप। ज्यादा जोश चढ़ रहा है, मतलब जोश उतार दे भाई, लेट गो ही तो नहीं करनी, हम चले जाएंगे, अगर ये नहीं गया तो मैं चले जाऊंगा। अरे भाई भाई क्या, तो ये ही हम है भाई, तुम एक बार चूज करके तुम बता दो, इसका नाम मत ले लेना, देखो प्रैंक था। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज से यार चैनल को सब्सक्राइब करना, एक सेकंड भी नहीं लगता यार सब्सक्राइब करने में।